good morning students myself rinakshi soni how are you all i hope you are very well at your home uh, today i will teach you math subject or now today's our topic is uh, what is long and what is round so this is your first chapter and uh, first of all i will show you your course book math magic book सेकेंड मतलब ये आपकी एनसीआर की मैथमेटिक की बुक है इसमें पहला चैप्टर है आपका वॉट इज लॉन्ग एंड वॉट इज राउंड ठीक है दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस लाइंस एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन ओके तो फर्स्ट चैप्टर इज वॉट इज लॉन्ग वॉट इज राउंड लेट स्टार्ट गेस इट नेम। आपको इसका नाम कैस करना है मतलब अनुमान लगाना है चिल्ड्रेन लव अंकल मीकू जो क्या थे बच्चे क्या थे वो अंकल मीकू से बहुत प्यार करते थे ही प्लेज विद एवरी डे व उनके साथ रोज खेलते थे टूडे ही वॉज डिफरेंट थिंग्स इन हीज बैग और वो आज क्या है अपने बैग में कुछ डिफरेंट थिंग्स रख के लेकर आए थे ही दैम्स इज गेम है गैस इट्स नेम और उसका आपको नाम गैस करना है तो गैस वॉट आई हैव इन माई माइंड तो गैस करिए कि मेरे माइंड में क्या होगा सॉरी माई हैंड मेरे हाथ में क्या होगा आई विल टेल यू अबाउट इट फील्स लाइक मैं आपको बताऊँगा कि यह कैसा लगता है इसका कैसी फीलिंग होती है अंकल मीकू पुट्स हिट्स हैंड इन द बैग जो अंकल मीकू थे उन्होंने क्या करा अपने हैंड्स को किस में डाले बैग के अंदर डाले टीम ए अ सॉन्ग टीम जो आ, थी ए थी वो क्या थी गाना गाई गा रही थी और व्हाट इज द गाना फाइंड आउट विद योर आइज शर्ट वेल आपको अपनी आँखें बंद करके कर, करके आपको खोजना है टच इट विद योर हैंड्स एंड टेल और आपको उस चीज़ को टच करके बताना है कि मेरे हाथ में क्या है टैलस टेलस मुझे बताओ हमें बताओ हाउ इट्स फील वो कैसा है वी कैस इट्स नेम एंड विन द गेम हम उसका नाम कैस करेंगे और गेम को जीतेंगे दिस इज अ गेम एंड दिस इज अ सॉन्ग अंकल मीकू थे वो क्या कहते हैं पॉइंटेड एट वन एंड वो क्या है एक तरफ से क्या है छोर एक छोर की तरफ से क्या है वो पॉइंटेड है एंड फ्लैट एट दूसरी साइड से क्या है वो फ्लैट है बट अराउंड बट अराउंड लाइक अ पाइप लेकिन वो क्या है एक पाइप की तरह राउंड है गैस वॉट इज गैस करिए क्या है वो टीम एसे पेंसिल टीम जो एसने क्या बोला पेंसिल डू यू ऑलो थिंक्स डू यू ऑल्सो थिंक्स सो ठीक है नाव यू थिंक्स आ डिफ्रेंट आंसर फॉर अंकल मेरे को क्वेश्चन नाव इट इज द टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गैस अब टर्न किस का था टीम ए का था और वो क्या करेगी टच करेगी और गैस करेगी एवरीबडी सिंग एवरीबडी क्या है सिंग करेंगे हमें बताओ हमें बताओ ये कैसा है वी गेस इट्स नेम एंड गेम हम इसका नाम गेस करेंगे और गेम को जीतेंगे अ चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट हिज हैंड इन द बैग और जो टीम ए का जो बच्चा था उसने क्या करा अपने हाथ, हाथ को बैग के अंदर डाले गैस a a और टीम ए का जो बच्चे अलग दो अलग से जो बच्चे थे वो क्या करेंगे इस गेम का नाम को गैस करेंगे कैन यू है आप उनकी मदद कर सकते हो राउंड ऑल अराउंड वो चारों तरफ से क्या है राउंड है Has no corners. उसके कॉर्नर्स नहीं है आई कैन रोल इट इन माई हैंड में उसको अपने हाथों में रोल कर सकता हूं गैस वॉट इट इज गैस करिए वह क्या है ओके देन देन इट टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गैस ये टर्न किसकी थी अब टीम बी की थी और वो क्या करेगी गैस करेगी और फील करेगी एंड सो द गेम गोज ऑन और जो क्या गेम था वो ऐसे चलता जाता है नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम आप इस अब इस प्ले गेम को आप टीम के साथ प्ले कर कर, कर सकते हो पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग आप बैग के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ को रख सकते हो अ क्लॉथ इज टाइट ऑन वन चाइल्ड्स आइज और एक कपड़े की सहायता से आप क्या करते हैं लड़के की आईज को बंद कर सक मतलब टाइट बांध सकते हो शी पुट्स हर हैंड इन द बैग और वो अपने बेहाथ को किस में रखेगी बैग के अंदर डालेगी ही टच इट वॉज सी वॉट इस फील्स लाइक अब वो टच करके बताएगी कि वह कैसा फील करता करती है हर टीम हैजू गे दूसरी टीम क्या करेगी इस का नाम गैस करेगी ठीक है दिस इज अ गेम ये क्या था अंकल मीकू और बच्चों के बीच में क्या है एक गेम था जिसको हम भी अपने टीम के साथ खेल सकते हैं ठीक है थीके? टीम बनाकर ठीक है तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रांग इज अ पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड कैसे स्ट्रोंग होता है डू यू नो अबाउट पोस्ट कार्ड आप पोस्ट कार्ड के बारे में जानते हैं पोस्ट कार्ड होता है जो हम पहले के जमाने में क्या होता है जो खत होता है ना खत उसके ऊपर क्या करते हैं अपने एक अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए काम आता था ठीक है होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर आपको क्या करना है पोस्ट कार्ड को होल्ड करके पकड़ना है एक कॉर्नर से

अपने ऊपर बुक को रख सकता है दिस इज अ क्वेश्चन ठीक है मतलब एक पोस्ट कार्ड को लेना है और उसको उसके ऊपर एक बुक को रखना है तो क्या ये पोस्ट कार्ड इस वाली बुक को अपने ऊपर रख सकता है नाउ ट्राई दिस नाउ अब इस क्या करना है इस चीज को हमें ट्राई करना है रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप आपको क्या करना है पोस्ट कार्ड को रोल करना है तो आई विल गिव यू एग्जाम्पल लाइक दिस आपको क्या करना है इस तरीके से आपको पोस्ट कार्ड को रोल करना है और यहाँ पर टेप एंड देन स्टेप देन यूज स्टेप टू स्टिक एंड एंड्स टूगेदर अब आपको क्या करना है इन दोनों जो अंत के जो छोरे हैं इनको क्या करना है टेप करना है ठीक है टेप से चिपका देना है पुट अ बुक ऑन इट अब इसके ऊपर क्या करना है आपको बुक रखना है यहाँ पर जब ये चिपक जाएगा तब तो आपको क्या करना यहाँ पर इसको खड़ा करके बुक को होल्ड रखना है सी हाउ मैनी बुक्स इट कैन होल्ड और देखना है कि ये पोस्ट कार्ड कितनी बुक्स को अपने ऊपर रख सकता है दिस इज अक्टिविटी आप इस एक्टिविटी को घर पर ट्राई करिए पोस्ट कार्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जैसे जैसे यहाँ पर स्टेप लिखी हुई है आप उस तरीकों के स्टेप फॉलो करके इस तरीके का एक्टिविटी आप घर पर करेंगे ओके नेक्स्ट टॉपिक इज हरी अप बी क्विक ओके चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ सर्किल इन द क्लास जो चिल्ड्रन थे बच्चे थे वो कहाँ बैठे हुए थे क्लास बैठे हुए थे एक सर्किल में दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग और वो क्या है एक गेम प्ले कर रहे थे किसके द्वारा क्लैपिंग और सिंगिंग यानि गाने के द्वारा वॉट इज दोंग वॉट इज लॉन्ग वॉट इज साउंड क्या लंबा है और क्या गोल है लुक अराउंड अपने चारों तरफ देखो लुक अराउंड अपने चारों तरफ देखो रीना से अब इन बच्चों में क्या है इस लड़कल का नाम क्या है रीना तो वो क्या बोलती है अ बैट इज लॉन्ग अ बॉल इज राउंड जो बैट है वो क्या होता है आपने देखा हो क्रिकेट बैट क्या होता है लंबा होता है और जो बॉल होती है वो क्या होती है राउंड होती है लुक अराउंड लुक अराउंड ओके ऑल आर सिंगिंग और जो सारे बच्चे थे क्या थे वो गाना गा रहे हैं तो वॉट इज लॉन्ग वॉट इज राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड और उसमें एक गर्ल थी उसका नाम क्या था मीनू था वो भी कहती है अ बॉटल इज लॉन्ग जो बॉटल होती है पानी पीने की वो क्या होती है लॉन्ग होती है अ कैप इज राउंड और जो कैप होती है वो क्या होती है राउंड होती है लुक अराउंड लुक अराउंड जो कैप होती क्या होती है अपने हेड पे होती है सर पे उसको पहन सकते हैं लॉन्ग होगी तो अपन पहन सकते हैं क्या उसको नहीं पहन सकते तो कैप क्या होती है राउंड होती है और बॉटल क्या होती है लॉन्ग होती है एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वॉट रोल्स वॉट स्लाइस अब क्या है क्या गोल है और किला क्या स्लाइड है ठीक है लुक एट द पिक्चर लुक एट द पिक्चर दिस इज योर पिक्चर तो आप इसको देखिए सम चिल्ड्रंस आर रोलिंग एंड सम आर स्ल्टिंग थिंग्स इन अ पार्क अब ठीक है कुछ बच्चे क्या है रोल हो रहे हैं क्या हो रहे हैं देखें जस्ट लाइक शी ये क्या है रोल हो रही है और जो ये बॉल है वो भी क्या हो रहा है रोल हो रहा है ठीक है सम आर स्लाइटिंग थिंग और कुछ पार्क में कुछ चीजें हैं जिसपे क्या बच्चे क्या कर रहे हैं स्लां मतलब फिसल रहे हैं जैसे आपके स्कूल में गेम प्ले करने के लिए ये वाला स्लांटिंग होता है तो आप क्या करते हैं इस पे आप पहले चढ़ते हैं फिर क्या होते हैं वहां से यहाँ नीचे क्या करते हैं स्लान होते हैं ना अब जैसे ये लड़का क्या है पोल पर है अब ये पोल के ऊपर जाके क्या कर रहा है नीचे स्लांट कर रहा है ठीक है अब ये जो गर्ल लड़का है वो क्या कर रहा है इस वाले बॉक्स में थ्रेड लगा के उसको खींच रहा है मतलब इसका जो फ्लैट जो बॉक्स होता है उसका जो सरफेस होता है क्या होता है फ्लैट होता है तो वो रोल नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा स्लांड करेगा ओके तो सन में आ गया कि क्या क्या कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है ओके नेक्स्ट इज देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड अब यहाँ पर क्या है कुछ चीजें रोल कर सकती हैं न कौन सी चीजें रोल कर सकती हैं और कौन सी चीजें स्लाइड कर सकती हैं। देयर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड और कुछ चीजें क्या कर सकती हैं? स्लाइड भी कर सकती हैं और रोल भी कर सकती हैं। लुक एट दिस लुक एट थिंग्स अराउंड यू अब आपको चारों तरफ देखना है आपके ठीक है तो राइट right बिलो अब नीचे लिखना है थिंग्स विच रोल अब आपके चारों तरफ जैसे आप कहीं बैठे हो तो आप एज्यूम करी है करिए कि कौन सी चीज रोल कर सकती है और कौन सी चीज राउंड कर सकती है सॉरी स्लाइड कर सकती है और कौन सी चीज दोनों चीजें मतलब जो स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखने हैं उसके साथ नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है माई टाइनी ट्री क्या है इसमें एक ट्री है उसको क्या करना है आपको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है टेक अ शीट फॉर पेपर लाइक दिस आपको एक पेपर लेना है this like this. जैसे मैंने लिया है रोल द पेपर टू मेक अ पाइप अब क्या करना है इसको रोल करना है पाइप की तरह अब जैसे हम रोल करते हैं ना इस तरीके से क्या करेंगे इसको रोल करेंगे ये क्या कर दिया मैंने रोल कर दिया ठीक है इस तरीके से आपको इसको रोल करना है अब क्या करते है? मैंने इसको रोल करके यहाँ पर इसको टेप से पेस्ट कर दिया जिससे क्या है एकदम से क्या हो गया रोल कर अब क्या करना है योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस नाउ ठीक है यूज ग्लू एंड टेप टू स्टिक यूजिंग सीजर्स कट स्ट्रिप एट वन एंड ऑफ द पेपर पाइप लाइक फोर एंड एट कट्स अराउंड सॉरी टर्न टर्न डाउन द कट एंड योर ट्री इज रेडी कलर इट अब क्या करना है आपको इस तरीके से क्या करना है इसमें सिक्स सेवन से एट आपको कट लगाना है टू थ्री फोर ये फाइव ठीक है आप चाहे तो इसको छोटा छोटा भी कर सकते हैं अब क्या करना है इसको इस तरीके से क्या करना है फिर इसको स्प्रेड कर देना है जो आपने लेयर्स काटी थी आपको क्या कर देना है इस तरीके से स्प्रेड कर देना है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक ट्री बन के तैयार हो जाएगा ठीक है आप इसको क्या कर सकते हैं इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं रख सकते हैं ठीक है ठीक है तो नाउ दिस इज टॉपिक हियर आपका जो ये टॉपिक है यहीं पर फिनिश करती हूँ और इसके बाद का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ठीक है तब तक के लिए टिल देन गुड बाय टेक केयर